मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड अब खत्म हो गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी होनी है। सिसोदिया को सीबीआई कर सकती है कोर्ट में पेश, जुडिशियली कस्टडी में भेजा जा सकता है मनीष सिसोदिया। सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च को फैसला हो सकता है। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड आज खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई उन्हें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेश करेगी। वहीं इस मामले में सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। आपको बताते चले कि इस मामले में सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए और बढ़ा दी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा कि सीबीआई हिरासत में उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है, जिसके ऊपर अब जो है एक बार फिर से सीबीआई की रिमांड जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन अब मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से पेशी होगी, जिसको लेकर अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर सबकी निगाह। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, जिस तरीके से सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक बार फिर से उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब तक जो हम सुनते हैं वो यही है, सीबीआई की तरफ से यही बयान आया है कि सिसोदिया ने अभी तक जो भी सवाल जवाब उनसे किए गए हैं उनसे संतुष्टि ने मिली ही नहीं है, तो इसमें और क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए चंद्र, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और सीबीआई ने पिछले 2 बार जो है इनको हिरासत में लिया हुआ है, पूछताछ के लिए इनको कस्टडी में लिया हुआ था। और उस पूछताछ में सीबीआई का जो पिछला तर्क रहा है कोर्ट में पेश किया हुआ था, उसमें यही था कि मनीष सिसोदिया सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लगातार तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। इस पर जब कोर्ट ने मनीष सिसोदिया से सवाल किया हुआ था तो मनीष सिसोदिया ने साफ किया हुआ था कोर्ट में कि एक ही सवाल उनसे लगातार कई कई बार पूछे जा रहे हैं, जिससे उनका मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। इसलिए उनके वकील ने भी तर्क दिया हुआ था कि अब सीबीआई की कस्टडी में मनीष सिसोदिया को न दिया जाए। हालांकि पिछली जब इनकी पेशी हुई थी कोर्ट में तो इनको 3 दिन के लिए इनकी कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन 2 दिन की ही कस्टडी कोर्ट ने दी हुई थी। अब आज हो सकता है सीबीआई फिर से कस्टडी मांगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि अब कोर्ट इनको फिर से कस्टडी में दे, क्योंकि अब न्यायिक हिरासत में इनको जेल भेजा जाएगा। जी चंद्र जी, आदित्य, जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी कस्टडी एक बार फिर से 2 दिन के लिए पहले बढ़ाई गई थी, लेकिन सवाल जवाब उनसे जो किए जा रहे थे उनसे संतुष्टि नहीं मिली थी, तो आज क्या कुछ फैसला हो सकता है? आज पेशी है उनकी, तो इसको लेकर क्या कुछ उनके वकीलों से कोई बयान आया है? देखिए, वकीलों ने कोई नया बयान तो अभी फिलहाल नहीं दिया हुआ, लेकिन जब कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा हुआ था सिसोदिया की तरफ से, सिसोदिया के वकीलों ने, तो उस पर उन्होंने स्पष्ट किया हुआ था कि दोबारा किसी भी सूरत में सीबीआई को कस्टडी में नहीं देना चाहिए, क्योंकि 5 दिन पहले वो रह चुके हैं और उस 5 दिन का वक्त बहुत पर्याप्त होता है। जिस पर सीबीआई की तरफ से तर्क दिया गया था 3 दिन के लिए उनको कम से कम और पूछताछ की जरूरत है, कि आमना सामना कराना है, कि कई ऐसे गिरफ्तार किए गए थे, कुछ उनमें से एक दो सरकारी वकील भी बनाए गए थे, खासतौर से दिनेश अरोड़ा जो कि पूर्व परिचित रहे हैं मनीष सिसोदिया के, वो एक कारोबारी हैं, शराब कारोबारी हैं, तो उनसे आमना सामना कराना है, तो इसलिए 2 दिन की कस्टडी उनको और दे दी गई थी। अब उम्मीद यही है कि उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा मानना है, मतलब जो कानून के जानकार है चंद्रश्री, उनका साफ साफ कहना है कि सीबीआई हो सकता है कि कस्टडी के लिए कुछ वक्त और मांगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज कोर्ट में पेशी होगी एक बार फिर से मनीष सिसोदिया की, जिसके बाद में क्या कुछ निकल कर सामने आता है सारी अपडेट आपको देंगे।